ध्रुव प्रहलाद हुए महाज्ञानी, त्याग तपस्या धैर्य जिनकी निशानी। अब तुम किसकी कहते हो ज्ञानी, किस युग में लेकर अब तुम चले कहानी। त्रेता युग, जीवन बहती धारा में गुरुता आने की बारी है। आदर्श प्रेम कर्तव्य त्याग सम्मान जहाँ की न्यारी है। ये त्रेता युग की गाथा है, जहाँ मात पिता वचन की खातिर पुत्र प्रेम से वन को जाता है। मात पित्र अभिलाषा खातिर शुद्ध तन से प्राण गवाता है। अब कथा चली मात पित्र भक्त श्रवण कुमार की। पुत्र श्रवण कुमार, यह कौन सा प्रदेश है? माता, यह सरयू नदी का तट है। यह राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या नगरी है। बेटा, तुमने हम अंधे बूढ़े माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराई है। तुम धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुम्हारी यह पितृ भक्ति सदियों तक याद की जाएगी। मेरा यही आशीर्वाद है, तुम दीर्घायु रहो, तुम सदैव प्रसन्न रहो। आयुष्मान भव। पुत्र, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। जो आज्ञा माता श्री। माँ, इसमें जल नहीं है, आप जरा थोड़ी देर विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए भोजन तथा पानी की व्यवस्था करता हूँ। मैं शीघ्र ही जल लेकर वापस आता हूँ। लगता है कोई मृग पानी पीने के लिए तट पर आया हुआ है। यही मौका है, मैं तीर चलाता हूँ। माँ, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? हे ऋषि कुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने मृग समझकर यह तीर छोड़ा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, यह भूलवश हुआ है। आ, आ, राजन, राजन, ये सही नहीं हुआ। देव, देव, मुझे क्षमा कर दो। खैर, आप ये जल मेरे मेरे माता पिता को पिला देना और उनसे कहना कहना कि वे मुझे अभागे पुत्र को क्षमा कर दे। मैं उनकी एक इच्छा भी पूरी ना कर सका। मैं उन्हें उन्हें चारों धामों की यात्रा भी पूरी ना करवा सका। मेरा ये जीवन व्यर्थ हुआ। पुत्र, तुम आ गए, बहुत प्यास लगी है, शीघ्र जल पिलाओ। यह लीजिए, जल पी लीजिए। नहीं नहीं, ये आवाज मेरे पुत्र श्रवण कुमार की तो नहीं है। तुम कौन हो और मेरा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? पहले आप जल ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे सारी बात पहले बताओ, उसके बाद ही मैं जल ग्रहण करूंगी। मेरा मेरा पुत्र कहाँ है? मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। भूलवश मेरे द्वारा आपके पुत्र का वध हो गया है। मुनिवर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अज्ञानतावश हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, ये आपने क्या कर दिया? अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। नहीं। प्रिय, प्रिय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक में अपने प्राण त्यागोगे।